सबसे पहले बात भोपाल की करेंगे, क्योंकि बीजेपी में शामिल हो गए हैं नारायण पटेल। मानदाता के कांग्रेस विधायक हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नारायण पटेल ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। सीएम शिवराज और बीडी शर्मा ने सदस्यता दिलाई है। आज ही प्रोटेम स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा था। तो अब जरा ये तस्वीर समझने की कोशिश कीजिए। प्रद्युम्न लोधी, सुमित्रा देवी और उसके बाद नारायण पटेल। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि नारायण पटेल, नाम नारायण है तो कांग्रेस में क्या काम। का स्थान है और उसमें आपको आना पड़ेगा और मेरी बात तो हो गई और आपने आश्वासन दे दिया और वहीं से शुरुआत करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी से टिकट, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ऐतिहासिक वोट से वहां से जीत के आएगा। चलिए, ये तो मंच से वो कुछ बात कह रहे हैं, बीजेपी के मंच पर शामिल हो गए हैं, बीजेपी में बीजेपी के हो चुके हैं। लेकिन जब वो इस्तीफा देकर आए तब हमारे संवाददाता सुधीर डंडोतिया ने उनसे खास बातचीत की। कांग्रेस के विधायक नारायण पटेल विधानसभा से इस्तीफा दिया, सर क्या वजह रही प्रमुख इस्तीफा देने की? नाराजगी थी, किस बात की नाराजगी थी आपकी? कोई नाराजगी नहीं थी, कांग्रेस से नाराज थे आप? मेरे जनता के विकास के लिए मैं यहाँ इस आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरे यहाँ विकास अवरुद्ध था, उसको गति देने के लिए मैंने निर्णय किया, कोई सोचा समझा और उसके बाद निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश में देश में विकास कर सकती है। क्षेत्र के विकास की बात उन्होंने कही है, हालांकि नाराजगी से उन्होंने साफ इनकार किया। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। ये तस्वीर आप देखिए, तीन तस्वीरें समझने की कोशिश कीजिए कि तीन तस्वीरों ने आंकड़ा कैसे 27 तक पहुंचा दिया। कांग्रेस का दामन छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी का दुपट्टा पहना। ये तस्वीर आप देखिए, 12 जुलाई की, प्रद्युम्न लोधी बीजेपी में शामिल हुए बड़ा भलेरा से। उसके बाद नेपानगर से विधायक, उनकी भी तस्वीर देखिए आप, कांग्रेस से नाता छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुई, सुमित्रा देवी। अब उसके बाद ये एक और तस्वीर, नारायण पटेल। तो प्रद्युम्न, सुमित्रा और नारायण, ये तस्वीर आप देखिए, तीनों बीजेपी में शामिल। एक कांग्रेस की जब सरकार गिरी थी, या ये कहें कि अपनों को छोड़कर कुछ लोग बीजेपी में आए थे, तो उन्होंने आंसू बहाए थे। दूसरी तस्वीर सुमित्रा देवी की, जिन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास करवाना चाहती हैं, बीजेपी से प्रभावित हैं। और नारायण पटेल, जिन्होंने कहा कि वो भी अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, मानदाता से विधायक हैं, और एक समय कहा जाता था कि ये अरुण यादव के खास खाटी समर्थक थे। तो जरा मध्य प्रदेश का मौसम समझिए आप, मिजाज समझने की कोशिश कीजिए कि दल बदल का मौसम चल रहा है, चला चली की बेला चल रही है। और आज ही एक और तस्वीर आई थी, आपने देखी होगी दिन में, कि किस तरह से कन्हैयालाल अग्रवाल, जो कि 2008 में शिवराज सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो खंडवा जिले की मानदाता से विधायक नारायण पटेल,